समाचार तो दूसरे तरह के प्रेम के बारे में है, नई वाचा तो अलग तरह के प्रेम के बारे में है, ये ईश्वरीय प्रेम के बारे में है। ये तो पूरी तरह से अलग प्रेम है, अलग तरह की उत्तमता का प्रेम है। इसलिए पवित्र आत्मा ने ये निश्चित किया कि ये इरोस शब्द जो है यहाँ पर नए नियम में बिल्कुल कहीं ना आए। Till my trophies at last I lay down, I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. Oh, I love that old cross, where the dearest and best for a world of lost sin. That old rugged cross, so despised by the world, has a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left his glory above to bear it to die.
मती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और चलिए वचन 26 से यहां पर पढ़ती हैं। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, लो इसे खाओ, ये मेरी देह है। और फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये नई वाचा का मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। पिछले कुछ हफ्तों से हम नई वाचा इस विषय पर आपको सिखाते जा रही हैं। मैंने सबसे पहले बताया कि नई वाचा तो लहू की वाचा है, और हमने ये भी दिखाया कि कैसे भूतकाल में लहू की वाचा लोगों के बीच में होती थी। कई युगों से इसे किया जा रहा है। मैंने लहू की वाचा के अलग अलग दृष्टिकोण आपको बताया, और ये तो बहुत ही अर्थपूर्ण है। लहू की वाचा के बड़े दृष्टिकोण हैं, वो अपने कपड़े दूसरे को देते थे, अपने हथियार दूसरे को देते थे, और वो वादे और प्रतिज्ञा करते थे, और वो एक साथ बैठकर वाचा के भोज को करते थे। और पिछले हफ्ते मैंने बताया, हर हफ्ते हम इन अलग अलग दृष्टिकोण को देख रहे हैं कि इसका मतलब क्या है, नई वाचा के दृष्टिकोण। और पिछले हफ्ते हमने देखा वाचा का भोज, वाचा का भोज जो आज हमने लिया है, प्रभु भोज लिया है। और पिछले हफ्ते हमने वाचा के भोज के अर्थ को देखा है, और आज मैं बताना चाहूंगा और बुनियाद और ये मुख्य वाचा का जो मुख्य भाग है, वाचा का मुख्य भाग क्या है। वाचा की जो बुनियाद या जो मुख्य केंद्र है वो तो बस प्रेम है। ये प्रेम के बारे में है, ये परमेश्वर के प्रेम के कारण ही परमेश्वर ने हमारे साथ में वाचा बांधी है। सामान्य रूप में उन दिनों में जब वाचा बांधी जाती थी, लहू की वाचा बांधी जाती थी, ये तो बस इसीलिए कि दो पार्टी एक साथ आती थी और वो एक साथ प्रेम में रहना चाहते थे, मित्रता में रहना चाहते थे, शत्रु होने के बजाय मित्र होना चाहते थे, इसीलिए वो वाचा बांधते थे। लेकिन परमेश्वर ने इस तरह से वाचा नहीं बांधी, और उसने वाचा इसलिए नहीं बांधी कि उसमें से प्रेम आएगा। उसने वाचा बांधी क्योंकि वो अपने प्रेम को प्रकट करना चाहता था, वो अपना प्रेम प्रकट करना चाहता था, इसलिए उसने वाचा बांधी है। यानी देखिए, परमेश्वर का प्रेम इस वाचा में मुख्य भाग है। उसके असीम प्रेम के कारण ही हमारे पास ये वाचा है, और इस बात के प्रकाशन के बिना कि वो कौन है, वो प्रेम का परमेश्वर है। परमेश्वर का विचार ही लोगों के अंदर में चिंता उत्पन्न करता था, क्योंकि यदि नहीं जाने कि वो प्रेम का परमेश्वर है, तो परमेश्वर का जो विचार है वो उनके अंदर में चिंता लेकर आता था। क्या हम जीवन की कल्पना कर सकते जहां परमेश्वर ऐसा हो जो हमसे प्रेम नहीं करता, खास करके जब आप जानते हैं वो सर्वसामर्थी है, जो चाहे वो कर सकता है, और वो सर्वज्ञानी है, यानी वो हमारे मन और दिल में देख सकता है, हमारे मन विचार और उद्देश्यों को जान सकता है। अगर उसे पसंद नहीं आए तो फिर बहुत से लोग सोचते हैं परमेश्वर ऐसा है, वो हमेशा देखते रहता है, वो हमेशा हमारे दिल और मन को देखता है, वो जानता है कि क्या हो रहा है, वो सर्वसामर्थी हमें कुचल देगा, दंड देता है, न्याय करता है। तो परमेश्वर के बारे में सही समझ रखे बिना बहुत से लोग इस तरह सोचते हैं कि परमेश्वर ऐसा व्यक्ति जो ऊपर बैठा है, राह देख रहा है कि हम बस गलती करें और फिर वो हमें मारते जाए और हम पर किसी तरह का दंड लाए या फिर हमारा न्याय करते जाए। उनके पास परमेश्वर के बारे में इस तरह का ऐसा डर है, ये आदर का भय नहीं है, परमेश्वर के बारे में ये बुरा डर है, और वो डरते हैं और इसके कारण दहशत में रहते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि शुभ संदेश, यानी ये जो सुसमाचार है, ये परमेश्वर के प्रेम की अच्छी खबर है। शुभ संदेश ऐसा है जहां पर हम इस खबर की घोषणा करते हैं, ये प्रकाशन की परमेश्वर कौन है। वो प्रेम का परमेश्वर है, वो हमारे बारे में कैसे महसूस करता है, यही तो सुसमाचार है। यानी आप सुसमाचार को इस तरह से समझते हैं और इस तरह से सही तरीके से उसकी घोषणा करते हैं, तो ये लोगों के जीवन में आनंद लाता है। तो आज मैं परमेश्वर के प्रेम के बारे में आपको बताना चाहता हूं, ताकि हम समझ सके कि ये वाचा किस बारे में है। मेरे साथ देखिए पहला यूहन्ना अध्याय 4 वचन 7 से आगे पढ़ती हैं। हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वो परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर को जानता है। जो प्रेम नहीं रखता वो परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। प्रेम इसमें नहीं है कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर इसमें है कि उसने हमसे प्रेम किया
उसने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए अपने पुत्र को भेजा। अब यहाँ बुनियादी रूप में परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें दो बातें बताई गई हैं। एक बात है कि वचन 7 में हमें बताया गया कि प्रेम परमेश्वर से है। इसका क्या मतलब है? यह है कि परमेश्वर वो और कहीं से प्रेम नहीं लेता है, उसे कहीं से प्रेम लेने की जरूरत नहीं, उसमें ही प्रेम है। इसका मतलब कि वो प्रेम का असली स्रोत है, कि उसने और कहीं से प्रेम नहीं लिया है, लेकिन वो ऐसा झरना है जिसमें से प्रेम बहता है। वो तो प्रेम का स्रोत है, वो प्रेम का असली स्रोत है, यानी प्रेम परमेश्वर से है। दूसरी बात, प्रेमी परमेश्वर के बारे में कहता है कि परमेश्वर प्रेम है। ये तुरंत स्पष्ट हो जाता है। इसका अर्थ है कि ये नहीं कि परमेश्वर के पास प्रेम है, वो प्रेम से भरा है या ऐसा कुछ, क्योंकि आज मैं आपसे कह सकता हूं, ये ग्लास दिखाते हुए कह सकता हूं कि मेरे पास एक ग्लास पानी है, लेकिन अगर मैं आपके कहूं मेरे पास पानी का डैम है, मतलब बहुत ज्यादा पानी, लेकिन फिर भी इसका मतलब है कि यह ऐसा कुछ है जो बदल सकता है। पानी यहां पर है, आज ये भरा है, लेकिन बाद में शायद ये इतना भरा ना हो, बढ़ सकता है, घट सकता है, बदल सकता है। जब मैं कहूं मेरे पास पानी है, तो फिर ये सारी बातें संभव होगी कि ये बढ़ सकता है या बदल सकता है, घट सकता है, और ये सब शायद आज यहां पर हो, कल यहां पर ना हो, और ये सब। लेकिन जब मैं कहूं कि मैं पानी हूं, इसके बजाय कि मेरे पास पानी है, यदि मैं कहूं मैं पानी हूं, तो उसके बारे में कह रहे हैं जो बदलता नहीं है। जबकि मैं कहूं कि मैं पानी हूं, तो मैं बदल कर कुछ और नहीं हो सकता, केवल पानी ही रहूंगा। ये घट नहीं सकता, ये बढ़ नहीं सकता है, न बदल सकता है। ऐसा नहीं कि आज बहुत ज्यादा हो और कल बहुत ही कम हो, और ये ऐसा नहीं कि आज मेरे पास में है और कल नहीं होगा, नहीं, ये नहीं बदलता है। जब मैं कहूं कि मैं पानी हूं, तो इसका मतलब है कि मैं इसी तरह से हूं, मैं यही हूं, मैं प्रेम हूं। यानी परमेश्वर ऐसा नहीं कि जिसके पास में प्रेम है, ऐसा भी नहीं जो कि प्रेम से भरा हुआ है, जिसके पास बहुत प्रेम हो। परमेश्वर प्रेम है, परमेश्वर प्रेम है, आइए इसे कहते हैं, परमेश्वर प्रेम है, और प्रेम परमेश्वर से है। यानी बाइबल की ये शिक्षा है परमेश्वर के बारे में, परमेश्वर प्रेम है और प्रेम परमेश्वर से है। अगर आप नए नियम को देखें, जहां परमेश्वर का प्रेम सिखाया गया है, जहां भी परमेश्वर का प्रेम बताया गया है, विवरण से समझाया गया, यहां अगापे शब्द उपयोग हुआ। अगापे एक ग्रीक शब्द है जिससे प्रेम ये शब्द अनुवाद किया गया है। तो परमेश्वर के प्रेम के बारे में कहते हुए वो अगापे शब्द का उपयोग करते हैं, लेकिन यीशु के समय में वहां पर पहले से एक शब्द अस्तित्व में था। देखिए, अगापे शब्द तो यीशु के संसार में आने के बाद में अस्तित्व में आया, और यीशु ने परमेश्वर के प्रेम को प्रकट करके दिखाया, और फिर लोग इसको बताने के लिए शब्द ढूंढने लगे। उन्होंने ये पाया कि ये शब्द जो पहले से ही ग्रीक भाषा में वहां पर है, वो काफी नहीं था कि परमेश्वर के प्रेम के बारे में वो बताए, क्योंकि ये प्रेम तो अलग था, पूरी तरह से अलग था, इसमें अलग श्रमता थी, इसने कुछ अलग ही किया। तो उन्होंने ये महसूस किया कि ग्रीक शब्द जो प्रेम के लिए वो पहले से उपयोग करते जा रहे हैं, वो काफी नहीं है, इसलिए उन्होंने एक नया शब्द बनाया। बाइबल के विद्वान कहते हैं कि अगापे शब्द नया शब्द है जो लोगों ने वहां पर लाया कि परमेश्वर के प्रेम को दिखा सके। इसका असली अर्थ है अलौकिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम, ऐसा प्रेम जो अलग विशेषता का है, अलग तरह का है। ये अलग तरह का प्रेम है, ये परमेश्वर का प्रेम है, और इसे उन्होंने अगापे कहा। लेकिन अगापे शब्द आने के पहले संसार था, लोग एक दूसरे से प्रेम करते थे, और वो प्रेम के बारे में बातें करते थे, किसी तरह से प्रेम का अनुभव करते थे। ग्रीक संसार में कौन सा शब्द उपयोग किया गया था प्रेम के लिए? ये शब्द था ईरोस। प्रेम के लिए यही शब्द ज्यादा उपयोग किया जाता था, ईरोस का यही अर्थ था। मैं आपको ईरोस और अगापे का फर्क दिखाना चाहता हूं। ईरोस ये शब्द जो अनुवाद करके प्रेम ये कहा गया है, लेकिन ईरोस शब्द का यही अर्थ है, यानी ये तो प्रेम है जो प्रेम के लायक है, जो सुंदर है, ये तो प्रेमी और सुंदर का प्रेम है, ये कह सकते हैं। तो जब हम कहते हैं कोई किसी से प्रेम करता है, इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति उससे प्रेम करता है क्योंकि वो तो सुंदर है, वो प्रेम के लायक है, वो व्यक्ति बहुत अच्छे हैं,
इसलिए प्रेम करती हैं। यानी उस समय के ग्रीक शब्द में, उस समय की जो दुनिया थी उसमें प्रेम का अर्थ था कि यानी ये तो ऐसी कोई चीज या कोई व्यक्ति है जो कि बहुत ही अच्छा है, सुंदर है, प्रेम करने लायक है, ऐसा जो कि सुंदर है और इसलिए उससे प्यार करते हैं। यानी इरोस का स्रोत, यानी जहां से इरोस आता था, इरोस प्रेम आता था, ये तो उस व्यक्ति की सुंदरता से आता था जो कि प्रेम के लायक है। वो व्यक्ति प्रेम को उकसाता है अपनी सुंदरता के द्वारा, उसके बहुत ही सुंदरता के कारण वो प्रेम को उकसाता है। इस तरह से ये शब्द उन दिनों में, इसी शब्द का बस यही तो अर्थ था। अब आप तुरंत देख सकते हैं कि ये संसार इतनी गड़बड़ी में क्यों पड़ा है। यदि संसार प्रेम के बारे में यही समझता है, यदि प्रेम यही है कि सुंदर व्यक्ति से प्रेम किया जाए और ये केवल इतना ही है, तो तुरंत ही आप समझ सकते हैं कि ये कितनी समस्याएं ला सकता है, क्योंकि इसकी बुनियाद हिलने वाली है। क्योंकि ये तो प्रेम के योग्य और वो सुंदर इसलिए प्रेम है, तो निश्चय ये कम होते चले जाएगा जैसी सुंदरता घटती जाएगी। हाँ, जब सुंदरता घटती है तो प्रेम भी ऐसे ही घटते जाएगा, क्योंकि ये प्रेम जिसके बारे में संसार कहता है, ये तो सुंदरता का प्रेम है, ये तो सुंदर का प्रेम है, और जरूरी था कि ये बहुत ही ज्यादा सुंदर हो, इस कारण कि बहुत सा प्रेम दूसरे व्यक्ति के बारे में इसके लिए उकसाया जाए। और जब वो सुंदरता घटती है, वो सुंदरता मुरझाती जाती है, तब प्रेम भी घटने लगता है और वो भी मुरझा जाता है। और जब प्रेम घटता है, क्योंकि वहां पर सुंदरता घट रही है, तो और भी सुंदर बात वहां पर प्रस्तुत की जाती है, तो फिर वो व्यक्ति उससे प्रेम करने लगता है जो उससे भी ज्यादा सुंदर है, क्योंकि ये उतनी सुंदर नहीं है। ठीक है, आप सब मेरी बात समझ रहे हैं। जैसे एक बहन ने कहा, ये मेरे पीछे पागल थे, मेरे पीछे दीवाने थे, हम लोग कॉलेज में थे, हम लोग जवान थे और मैं सुंदर दिखती थी। वो हमेशा मेरे पीछे आते थे, हमेशा मुझे चाहते थे, मेरी ओर बहुत ध्यान देते थे। अभी हमारे 3 बच्चे, अभी ये मेरी ओर देखते भी नहीं है, ये मेरी ओर ध्यान नहीं देते, मेरे ओर देखते भी नहीं है, क्योंकि ये बहुत बदल गए हैं और सुंदरता घटती गई है। क्योंकि संसार तो प्रेम के बारे में बस इतना ही समझता है कि वो तो सुंदर होना चाहिए, प्रेम के योग्य होना चाहिए, ये सुंदर होना चाहिए, इसलिए कि ये आपके अंदर में प्रेम को उकसाए। तो प्रेम जो है वो तो निश्चय उकसाया जाता उस व्यक्ति की सुंदरता के कारण जिससे प्रेम करते हैं। ठीक है, तो अब कोई प्रेम नहीं है, क्योंकि 3 बच्चों के बाद में वो बिल्कुल पहले जैसे नहीं दिखती। इसलिए मैं लड़कों से कहता हूं, जब शादी के लिए लड़की देखने जाते हैं तो आप उसकी माँ को देखिए। हाँ, ये महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बस यही तो मिलेगा जब आपकी पत्नी 50 साल की हो जाएगी। और अगर वहां पर नानी माँ है तो आप उन्हें अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि 75 साल की उम्र में आपको बिल्कुल वैसी ही तो मिलने वाली है। यानी अभी आप जो देख रहे हैं वो आपको मिलने वाला नहीं है, वो अभी बस 25 साल की अच्छी दिख रही है, उसका पूरा मेकअप किया गया है, क्योंकि लड़के वाले उसे देखने के लिए आ रहे हैं। तो ये बहुत ही विशेष दिन है और इसके कारण आप मूर्ख न बने। शादी होने के बाद सुबह सुबह 5 बजे आप उसे देखिए, जब उसके बाल बिखरे हुए हैं और चेहरे पर मेकअप नहीं लगा है, फिर भी उनके साथ में रहना होगा, क्योंकि जब सुंदरता चली जाती है तो प्रेम भी चले जाता है। क्योंकि संसार प्रेम को इस तरह से समझता है, ये तो बस पागलपन का विचार है, कि वो प्रेम के योग्य और सुंदर से ही प्रेम करती हैं, और इसलिए ये हमेशा हमें समस्या में गिरा देता है। क्योंकि जब प्रेम असफल होता है, मतलब जब सुंदरता घटती है, तो प्रेम भी घटते चले जाता है। और साथ ही ये तो सुंदर और प्रेम के लायक व्यक्ति से प्रेम करना, मतलब जो प्रेम करता है वो इस सुंदर चीज या व्यक्ति से प्रेम करता है क्योंकि उसकी खुद की जरूरतें हैं, वो इसका आनंद उठाता है उससे प्रेम में, और इसलिए वो उसके पीछे जाता है, क्योंकि वो तो बस अपनी जरूरतें और अपने आनंद की चीजों को पूरा करना चाहता है। हाँ, यानी वो इस व्यक्ति को केवल उपयोग के लिए एक ऐसे साधन के रूप में देखता है कि अपनी इच्छा, अपनी जरूरतों को पूरा करते जाएं। और जब जरूरत पूरी हो जाती है, जब आनंद ले लेते हैं, तो ऐसा महसूस करते हैं अब इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, या उस व्यक्ति की, और उस व्यक्ति को निकाल देते हैं। हाँ,
यानी इस तरह के प्रेम में यही तो समस्या है, ये तो इरोस प्रेम है जिसे संसार में लोग प्रेम के रूप में समझते हैं। अब देखिए, संसार इस विचार से भरा है, अगर आप टेलीविजन को देखें, अगर आप फिल्मों को देखें, अगर इश्तेहारों को देखें, देखिए ये विचार वहीं से तो आते हैं। आप टेलीविजन के इश्तेहार में बदसूरत को नहीं देखते हैं, यानी उन्हें पूरी तरह से सुंदर होना है, यानी आप मंजन भी बेच रही हैं जिसे केवल गांव में उपयोग करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति सुंदर होना चाहिए, बिल्कुल जवान लड़की होनी चाहिए जिसके दांत बिल्कुल चमक रहे हो और बिल्कुल सही लाइन में हो, बहुत सफेद हैं और बिल्कुल चमक रहे हैं और एक भी कोई भी दाग नहीं है, जानते हैं, यह वहां कुछ भी टूटा नहीं होना चाहिए, पूरी तरह से सिद्ध होना चाहिए, क्योंकि ये तो प्रेम के योग्य और सुंदर से प्रेम करना है, ये इसी पर आधारित है। फिल्मों में देखिए सभी हीरोइन सुंदर होती हैं, सामान्य रूप में वो सुंदर होते हैं और मेकअप करके उन्हें और सुंदर दिखाते हैं। अगर आप सुंदर नहीं हैं तो आप फिल्मों में नहीं जा सकते हैं, शायद आपको कॉमेडियन का काम मिल सकता है। सुंदरता उनके लिए बहुत मुख्य बात है, देखिए। और इसी तरह प्रेम संसार के सामने दिखाया जाता है, ये सुंदर लड़का और ये सुंदर लड़की एक दूसरे से प्रेम करते हैं, इसी तरह से सारी बात दिखाई जाती है, और जानते हैं इसका संबंध हमेशा उस प्रेम के योग्य और सुंदर से होता है जो चाहने लायक है, इसलिए प्रेम किया जाता है। अब जब नौजवान कहते हैं कि वो प्रेम में गिर गए हैं, ठीक है, कुछ लोग ये कहते हैं कि मैं प्रेम में गिर गया हूं, मतलब ये है कि उन्हें एक लड़का या लड़की मिल गई है जो दिखने में बहुत अच्छी है, उन्हें उनका दिखावा पसंद है, उन्हें वो व्यक्ति पसंद है। कुछ लोग कहते हैं केवल उनका रंग रूप नहीं भाई, लेकिन ये उससे बढ़कर है, मुझे वो पसंद है क्योंकि वो बहुत अच्छी व्यक्ति है, या उनका दिल मुझे पसंद है, वो एक अच्छे व्यक्ति हैं, मानसिकता पसंद है, उनका दिल मुझे बहुत पसंद है, और मैं सोचता हूं ये ज्यादा परिपक्वता है। लेकिन बात तो ये है, कुछ भी हो, एक तो ये शारीरिक प्रेम है या फिर या ये मानसिकता का या आत्मिकता का प्रेम है, ऐसा कुछ ये प्रेम के लायक है, ये पूरी बात। यही आपको पसंद है, आपको बाहरी रूप रंग पसंद है या फिर भीतरी सुंदरता उस व्यक्ति की, इसलिए उस व्यक्ति की ओर आकर्षित होती हैं। यानी ये सारी बात तो उनकी सुंदरता के ऊपर आधारित होती है, उनसे प्रेम करते हैं क्योंकि वो प्रेम के योग्य है, यही विचार है उस प्रेम की जो संसार में हमें दिया जाता है, और इसलिए आज हम इतनी गड़बड़ी में हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि जब वो सुंदरता किसी तरह से घट जाती है और सब बदलने लगता है तो तुरंत ही ये प्रेम भी बदलने लगता है, उस व्यक्ति से अभी प्रेम नहीं कर सकते। बहुत से लोग यही शिकायत करते हैं कि वो अभी वो नहीं रही है जिसे मैं पहले ही जानता था, वो बदल गई, ये बदल गए हैं, ये अभी अलग तरह से काम कर रही है, और वो मैं उसे और नहीं सह सकता हूँ, उसे पीछा छुड़ाना चाहता हूँ, मैं कोई और ढूंढ लूंगा, और इस तरह की बातें, जानते हैं, क्योंकि वो सह नहीं सकते, क्योंकि अब कोई सुंदरता नहीं रही है उनके लिए, अभी उनमें कोई सुंदरता नहीं है, ऐसा कुछ है जो उन्हें अभी पसंद नहीं है। यानी ये संसार है और ये संसार के तरीके का प्रेम है। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इरोस शब्द जो है नए नियम में बिल्कुल नहीं आता है, क्या ये अद्भुत नहीं? नया नियम तो हमें सुसमाचार का प्रेजेंटेशन देता है, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, नया नियम इसी के बारे में है, ये नई वाचा है, नया नियम तो सच में नई वाचा है, हम नई वाचा के बारे में कह रहे हैं, ये हमारे सामने नई वाचा रखता है, ये नई वाचा का विवरण देता है, नई वाचा हमें समझाता है, और इस नई वाचा को बताते समय, यानी ये जो नया नियम है, इरोस शब्द को बाहर रखता है, क्योंकि ये शब्द यहाँ पर फिट नहीं होता है सुसमाचार के विवरण के साथ, ये सुसमाचार के विवरण में नहीं आ सकता है, क्योंकि सुसमाचार तो दूसरे तरह के प्रेम के बारे में है, नई वाचा तो अलग तरह के प्रेम के बारे में है, ये ईश्वरीय प्रेम के बारे में है, ये तो पूरी तरह से अलग प्रेम है, अलग तरह की उत्तमता का प्रेम है, इसलिए पवित्र आत्मा ने ये निश्चित किया कि ये इरोस शब्द जो है यहाँ पर नए नियम में बिल्कुल कहीं ना आए। क्या ये अद्भुत नहीं? और इसलिए मैं प्रेरणा पर विश्वास करता हूँ, क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा का हाथ हमेशा वहां पर था, मार्गदर्शन कर रहा था और ये सारे काम कर रहा था। लेकिन ये शब्द यहाँ पर नए नियम में जो उपयोग किया गया है सुसमाचार में, जैसे हमें यहाँ पर बताया गया है, यहाँ पर प्रेम के लिए जो शब्द है ये पूरी तरह से नया शब्द है जो अस्तित्व में आया है यीशु के आने के बाद, जब उसने क्रूस के ऊपर में इस प्रेम को प्रकट किया, तब ये शब्द अस्तित्व में आया, और ये शब्द है अगापे, और इस शब्द का अर्थ है ईश्वरीय प्रेम,
परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर के तरीके का प्रेम, या ऐसा प्रेम जो स्वयं परमेश्वर के पास है, ये परमेश्वर से शुरू हुआ। Jesus, oh Lord, victory comes in, named by His word, not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord, not by power, not by might, but by my Spirit, says the Lord. The weapons of our warfare are not of this world. His mercy and the power of His love.